दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2025 ऑक्शन से पहले ही महेंद्र सिंह धोनी ने कर ली है आईपीएल जीतने की पूरी तैयारी। बदल दी चेन्नई सुपर किंग्स की पूरी टीम, एक नहीं दो नहीं बल्कि एक साथ टीम में चार बड़े बदलाव कर कई खिलाड़ियों का करियर किया समाप्त और उनकी जगह पर टीम में ऐसे ऐसे धुरंधर खिलाड़ियों को किया शामिल जिसे देखकर तो बड़ी से बड़ी टीम हैरत में आ जाएगी। तो आखिरकार धोनी ने किस खूंखार गेंदबाज और बल्लेबाज को अपनी टीम में किया है शामिल, कैसी नजर आ रही है चेन्नई की नई टीम, कौन होंगे धोनी के आईपीएल 2025 में सबसे बड़े हथियार, ये सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा में से कौन है बेहतर कप्तान, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, एक तरफ जहां इंटरनेशनल क्रिकेट टीम से टीम इंडिया ब्रेक पर है तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया के त्यौहार आईपीएल 2025 की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। बहुत जल्द ही आईपीएल 2025 में मेगा ऑक्शन होने वाला है, लेकिन इस ऑक्शन से पहले टीमें खिलाड़ियों को रिलीज करेंगी, लिहाजा कई खिलाड़ियों की टीमें बदलने वाली हैं। अब चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर एक अहम खबर सामने आई है। जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि आईपीएल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स टीम चैंपियन बनी थी और टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर आईपीएल की तीसरी ट्रॉफी जीतने में सफल रही थी, लेकिन आईपीएल 2024 में कप्तान श्रेयस अय्यर की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने शानदार प्रदर्शन किया था। वहीं आईपीएल 2024 में चेन्नई सुपर किंग्स का काफी शर्मनाक प्रदर्शन रहा, लेकिन उन्होंने हर टीम से लड़ाई लड़ी मगर एक बार फिर सीजन में उन्हें निराशा हाथ लगी। लेकिन आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स एक नई रणनीति के साथ में मैदान पर उतरना चाहेगी। आपको बता दें कि खबरों के अनुसार चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने नए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को हटाकर एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी को नया कप्तान घोषित कर दिया है। ये तो आप सभी को पता है कि लंबे समय तक धोनी ने टीम की कप्तानी की है, लेकिन अब एक बार फिर कोहली के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी आ चुकी है। अब देखना यह होगा कि महेंद्र सिंह धोनी इस सीजन के रणनीति के साथ मैदान पर उतरेंगे। लेकिन उससे पहले एक और चौंका देने वाली खबर सामने आई है, जिसमें ये खबर है कि धोनी के नए कप्तान बनते ही कई आईपीएल के खूंखार खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करने की इच्छा जाहिर की है, जिसमें सबसे बड़ा भारत के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का नाम शामिल है। साथ ही साथ धोनी ने रिंकू सिंह और ऋषभ पंत को भी टीम में शामिल करने का पूरा प्लान बनाया है और एक नई प्लेइंग 11 भी तैयार की है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं धोनी के द्वारा इन खिलाड़ियों को टीम में शामिल कर कैसी नजर आएगी बेंगलुरु की नई टीम। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तान बनने के बाद ओपनिंग करने की जिम्मेदारी ऋतुराज गायकवाड़ और रजिंद्र रविंद्र के कंधों पर रखी हुई है। इन दोनों बल्लेबाजों ने पिछले सीजन में शानदार प्रदर्शन दिखाया था, अपनी टीम के लिए अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए धोनी इन दोनों पर भरोसा जताते हुए ओपनिंग करने की जिम्मेदारी सौंपी हुई है। वहीं चेन्नई की तरफ से नंबर 3 पर खेलते हुए टीम के चार बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे नजर आएंगे। इन्होंने अपनी बल्लेबाजी से हर किसी का दिल जीता है और टीम के लिए हमेशा बेहतरीन योगदान देते रहे हैं। नंबर 4 पर खेलते हुए ऋषभ पंत नजर आ सकते हैं, धोनी ने इनको अपनी टीम में शामिल कर लिया है। ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी भी कर रहे थे और उन्होंने शानदार खेल दिखाया था, लेकिन इस बार अब धोनी ने अपनी टीम में शामिल उन्हें कर लिया है। नंबर 5 पर खेलने के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने इंग्लैंड के बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी मोइन अली को टीम में रखा हुआ है। इनका साथ देने के लिए नंबर 6 पर शिवम दुबे नजर आएंगे। इसके बाद नंबर 7 पर भारतीय टीम के बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा दिखाई देंगे। धोनी की ये सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद खिलाड़ी हैं। इन्होंने अकेले दम पर चेन्नई को कई बार चैंपियन बनाया है और उनके अंदर वो काफ़ी क्षमता भी नज़र आती है। वहीं अगर हम स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें तो धोनी ने अपने सबसे खतरनाक जादूगर महेश तिछड़ा को टीम में रखा हुआ है। अगर हम तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट की बात करें तो इस सीज़न महेंद्र सिंह धोनी ने चालाकी से जसप्रीत बुमराह को अपनी टीम में शामिल कर लिया है और उनके साथ देते हुए मतीशा पतिराना नजर आएंगे। इस प्रकार नजर आ रही है चेन्नई की नई टीम, धोनी ने खूंखार खिलाड़ियों को टीम में शामिल कर लिया है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है महेंद्र सिंह धोनी को दोबारा चेन्नई सुपर किंग्स का कप्तान बनना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रोहित नहीं अब श्रेयस अय्यर करेंगे आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस की कप्तानी। कोलकाता को चैंपियन बनाने वाले अय्यर को नीता अंबानी ने 200 करोड़ रुपए देकर की है पूरे क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी डील। मचा दिया आईपीएल 2025 से पहले हाहाकार, तो आखिर क्यों रातों रात श्रेयस अय्यर ने छोड़ दिया कोलकाता नाइट राइडर का साथ, क्यों मुंबई में आने के लिए राजी हुए अय्यर, कैसे नीता अंबानी ने पलट दिया पूरा खेल, ये सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है मुंबई इंडियंस का कप्तान किसे होना चाहिए, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या या फिर श्रेयस अय्यर, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल का खुमार पूरे विश्व में भरा हुआ है। 2025 की तैयारी अभी से ही शुरू हो गई है। इस तैयारी को तेज करने के लिए बीसीसीआई और फ्रेंचाइजियों ने कई मीटिंग्स भी कर ली है। इस साल यानी कि 18 में संस्करण की शुरुआत से पहले इस बार मेगा नीलामी होगी, इसके लिए करोड़ों क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें आईपीएल 2024 में कई टीमों का खराब प्रदर्शन देखने को मिला, इसी लिस्ट में मुंबई इंडियंस का भी नाम शुमार है। मुंबई ने तो टॉप 4 में भी क्वालिफाई नहीं किया था। खराब परफॉर्मेंस और भी कई कारणों के चलते मुंबई इस सीजन में अपने
फैंस को काफी निराश करती हुई नजर आई थी। पहले रोहित शर्मा से कप्तानी छीनी, फिर हार्दिक पांड्या को टीम में लाया, उन्हें कप्तानी दी। ये सब छोटी बड़ी गलतियां मुंबई इंडियंस को इस सीजन में भुगतनी पड़ी थी, लेकिन इस बार यानी आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस एक ऐसी कोई गलती नहीं करने वाली है जिससे उसे इस सीजन भी वही गलती भुगतना पड़े। आपको बता दें, मुंबई इंडियंस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और बड़ा डिसीजन भी मुंबई इंडियंस ने ले लिया है। आपको बता दें, खबरों के मुताबिक सबसे बड़ा और चौंका देने वाला डिसीजन ये है कि हार्दिक पांड्या से कप्तानी छीन कर उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वहीं खबर यहां तक आ रही है कि रोहित शर्मा ने भी मुंबई का साथ छोड़ दिया है। वो 2025 आईपीएल में किसी नई टीम से खेलते हुए नजर आएंगे, जिसके लिए मुंबई इंडियंस अब नए कप्तान की तलाश कर रही है। खबरों में ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि मुंबई इंडियंस को नया कप्तान मिल चुका है, जिसके लिए मालकिन नीता अंबानी ने करोड़ों रुपए की मोटी रकम अदा की है और वो टीम की कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। ये कोई और नहीं बल्कि कोलकाता नाइट राइडर के कप्तान श्रेयस अय्यर है। लोगों का मानना है कि श्रेयस अय्यर आईपीएल 2025 में मुंबई की तरफ से कप्तानी करेंगे। इसके लिए नीता अंबानी ने 100 करोड़ से अधिक की मोटी रकम देकर उन्हें अपनी टीम में शामिल किया है। हार्दिक पांड्या, नीता अंबानी ने कप्तानी से हटाकर श्रेयस अय्यर के ऊपर टीम की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी है। अब देखना यही होगा कि इस खबर में कितनी सच्चाई है। क्या सच में श्रेयस अय्यर मुंबई इंडियंस की कप्तानी करेंगे या फिर हार्दिक पांड्या करते हुए नजर आएंगे? लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, मुंबई इंडियंस का कप्तान किसे होना चाहिए, रोहित शर्मा या फिर हार्दिक पांड्या या फिर श्रेयस अय्यर? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप भी सरफराज खान को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में आ गया सरफराज खान का तूफान। मात्र 20 गेंद में 90 रन ठोक कर रच दिया इतिहास। जी हां दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका चौथा टेस्ट मैच आज खेला गया, जहां पर इस मैच में सरफराज खान का तूफानी प्रदर्शन देखने को मिला। इसी बीच सरफराज खान ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी के जरिए मैदान पर रनों की ऐसी बारिश की जिसके सामने श्रीलंका का गेंदबाजी क्रम सूखे पत्तों की तरह उजड़ कर रख गया। तो आखिरकार कैसे सरफराज खान ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मात्र 20 गेंद पर 90 रन ठोक कर इतिहास रच दिया है, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ में उनकी तूफानी पारी का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है, सरफराज खान और विराट कोहली में से कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, भारतीय टीम ने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज खेली। ऐसे में अब दोनों टीम के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका चौथा टेस्ट आज खेला गया। इस दौरान आज के मैच के अंदर भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और गेंदबाजी करने के लिए श्रीलंका की टीम को आमंत्रित किया, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम के सभी बल्लेबाजों ने काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन किया, जहां पर मात्र 8 ओवर के अंदर भारतीय टीम के बल्लेबाजों की काफी बुरी दुर्दशा देखने को मिली थी। इस मैच के अंदर एक बार फिर से भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने सभी को निराश कर दिया, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजों ने काफी ज्यादा खराब बल्लेबाजी की, जहां पर 8 ओवर के अंदर 25 रन के अंदर 3 विकेट गिर गए। ऐसे में सरफराज खान ने भारतीय टीम को संभालते हुए मैदान पर कहर बरसाना प्रारंभ कर दिया। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से सरफराज खान ने काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करने का कार्य किया, जहां पर अब सरफराज खान ने अपना खाता पहली गेंद पर सामने की तरफ छक्के के साथ खोल दिया और बता दिया कि आज वो इसी तरीके से खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि अब सरफराज खान ने छक्के के साथ खाता खोलने के बाद आगे भी तूफानी बल्लेबाजी जारी रखी। इस बीच उन्होंने बेहतर बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजी करने के लिए लाहिरू कुमारा के सामने भी लगातार 3 गेंद पर 3 चौके लगा दिए। इतना ही नहीं, अब 17 ओवर में सरफराज खान ने वेंडरसे के सामने लगातार 3 गेंद पर 3 छक्के लगाते हुए अब अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इस बीच उन्होंने बेहतर बल्लेबाजी करते हुए 18 ओवर में छक्का लगाते हुए 12 गेंद पर अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन इसके बाद सरफराज खान ने तो और भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाने का प्रयास किया, लेकिन शतक लगाने से पहले ही अपना विकेट सरफराज खान अब दे बैठे, जहां पर अब सरफराज खान ने गेंदबाजी करने के लिए आए विश्वा फर्नांडो के सामने 21 ओवर में लगातार 3 गेंद पर 3 चौके लगा दिए। इतना ही नहीं, 22 ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए असिता फर्नांडो के सामने सरफराज खान ने लगातार 4 गेंद पर 4 छक्के लगा दिए और अपने शतक के करीब पहुंचे। लेकिन इस बीच 4 छक्के लगाने के बाद गेंदबाजी में वापसी करते हुए उनको बाउंड्री पर कैच आउट कराया। इस बीच सरफराज खान अपना शतक नहीं लगा पाए और शतक लगाने से पहले ही 20 गेंद पर 90 रन बनाकर आउट हुए। इस बीच अब सरफराज खान ने 90 रन की पारी में 9 छक्के और 8 चौके लगाए। ऐसे में अभ्यास मैच में सरफराज खान की इस तूफानी पारी को देखकर भारतीय टीम मैनेजमेंट काफी ज्यादा खुश हुआ। तो दोस्तों, चौथे टेस्ट मैच में सरफराज खान की तूफानी पारी को आप 10 में से कितने अंक देने वाले हैं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।
दोस्तों कोलकाता की टीम में शामिल हुए सूर्य कुमार यादव, खुद मालिक शाहरुख खान ने करोड़ों का ऑफर देकर किया ऐलान। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2025 को लेकर खलबली मच चुकी है। इस बीच सूर्य कुमार यादव को कोलकाता की टीम के मालिक शाहरुख खान ने अपनी टीम के अंदर शामिल कर लिया है और करोड़ों का ऑफर देते हुए एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसको सुनकर आपको भी